वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बताऊंगी कि 6 to 24 मंथ्स के बेबी के लिए कैसे सिरेलेक प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले वाटर को बॉईल कर देना है और फिर उसे ल्यूकवॉर्म होने देना है। और यहाँ मैंने लिया है वीट राइस मिक्स फ्रूट फ्लेवर का, जो 10 मंथ्स के बेबी के लिए है। 2 to 24 मंथ्स आप अपने बेबी के मंथ्स के अकॉर्डिंगली ही सिरेलेक चूज़ करें। हर मंथ के लिए आता है, 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। और ये जो राइट साइड में है उसमें क्वांटिटी दी गई है, कितने स्कूप्स यूज़ करने हैं विद कितना वाटर। तो यहाँ मुझे 4 स्कूप विद 100 ml वाटर यूज़ करना है। तो अगर आप ये देखिए, पानी मैंने बिल्कुल ल्यूकवॉर्म लिया है, मतलब अपनी उंगली डूब सके उतना गर्म। और यहाँ मैं 100 ml कप से मेजर करके डाल रही हूँ। मेरे पास कुछ इस तरीके के 2 कप है, एक 85 ml का है और एक 15 ml का है। और अगर आपके पास कप ना हो तो आप बेबी की बॉटल तो हर किसी के पास होती है, तो उसमें से मेजर कर ले अकॉर्डिंगली आपके पैक में कितना लिखा है। और अब हम निकालेंगे सिरेलेक। सिरेलेक के अंदर ही ऐसा एक छोटा सा कप दिया जाता है, स्कूप दिया जाता है, उसे हमें फिल करना है। अब फिल कितना करना है, सिर्फ टॉप लेयर तक फिल करना है, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये है मेरा फर्स्ट स्कूप। और इसी तरीके से मेरे को 4 स्कूप और निकालने हैं, तो मैं फटाफट 4 स्कूप और निकाल लूँगी, मतलब टोटल 4 स्कूप निकालूँगी। नेस्ले का सिरेलेक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे पाउडर और वाटर को, तो कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तब तक मिक्स करना है जब तक सारे लम्स चले ना जाए। और मिक्स करने के बाद फिर हमें रखना है इसे 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए। सो ये देखिए, मिक्स होने के बाद एक प्रॉपर पेस्ट बन के रेडी है और इसमें कोई भी लम्स भी नहीं है। और ये कंसिस्टेंसी बनेगी, आप एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट लोगे तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी बेबी को फीड करने के लिए। फिर हमें 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है, फिर बेबी को खिला देना है। और ये देखिए मेरी त्विशा एंजॉय करते हुए।